अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन ब्रिजलाल ने कहा कि शासनादेश के अनुसार सभी जिलों के थानों पर 23% अनुसूचित जाति जनजाति के थानाध्यक्षों की तैनाती होनी चाहिए, जिसमें 21% अनुसूचित जाति तथा 2% अनुसूचित जनजाति के थानाध्यक्ष होने चाहिए, जिसके लिए अभी ADG और IG को निर्देश दिए गए हैं। ब्रिजलाल ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जातियों के लिए विशेष योजनाएँ बनाई हैं, जिसमें वनटांगिया, मुसहर और थारू जाति के लोग शामिल हैं। इनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना में मकान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ब्रिजलाल ने कहा कि SC ST की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने बताया कि अगर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो उसके परिवार को 5,000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। इसके अलावा चेयरमैन ब्रिजलाल ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अनुसूचित जाति जनजाति के चेयरमैन ब्रिजलाल ने बताया। अपनी च्वाइस सही थी। नमस्कार। हाँ नमस्कार। तो ले आओ सर। इस बैठक में आज यहाँ के डिविजनल कमिश्नर थे, DM गोरखपुर, ADG, IG और जो महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर के ADM और एडिशनल SP, इनके बैठक बुलाई थी। 3-4 इशू थे। एक तो मेन इशू था कि जो SC ST एक्ट में जो घटना होती है उसमें आर्थिक सहायता या आपको जो पंफलेट पर्चा वो मिल रही है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है 14 जून 2016 के बाद अगर कोई अनुसूचित जाति व्यक्ति की हत्या होती है, वो घर का कमाने वाला है, परमानेंट अक्षम कर दिया जाता, हाथ काट दिया गया, आँख फूट गया और हत्या या मृत्यु, तो अगर वो कमाने वाला है तो उसकी विधवा, उसके डिपेंडेंट को 5,000 रुपया महीना पेंशन है। ये सरकार ने किया है, मौजूदा सरकार ने, भारत सरकार का एक्ट है वो किया है भारत सरकार ने, पर 14 जून 2016 से इसके लिए शासनादेश हो गया है, पेंशन स्वीकृत हो रही है। एक लोगों को भ्रांति थी साहब किस मद से दिया जाएगा, वो तो शासन में गया है तो सबको, जो जिनका अगर कमाऊ है आदमी तो 5,000 रुपया महीना पेंशन, और साथ ही साथ उसके बच्चों को ग्रेजुएशन तो मुफ्त शिक्षा, और घटना के दिनांक से 3 महीने तक का पूरा घर का खर्च, और दूसरा मकान नहीं है तो मकान, ये चीज़ें एक नई धारा जोड़ी गई थी। तो एक हत्या दुर्घटना में, दुर्घटना वो जिसमें ST ST एक्ट लगता उसी में सहायता मिलती है। जैसे मारपीट में ज़्यादा केसेस जाते हैं, पहले मिलता था 22,500, आज 1,00,000 है, तो उसमें FIR स्तर पर 25%, चार्जशीट पर 50%, और जब मुकदमे में डिसीजन हो जाएगा तो बाकी 25%। मर्डर में 50% मिल जाता है, 4,12,500 उसको FIR पोस्टमार्टम पर, और 50,000 मिलता है उसको, चार्जशीट लग जाती है। तो मर्डर में 8,25,000 है, मारपीट में 1,00,000 है, बलात्कार में, सामूहिक बलात्कार में है 8,00,000, बलात्कार में 5,00,000। इस टाइप की जो आर्थिक सहायताएँ थी वो करीब 4 से 5 गुना सेंट्रल गवर्नमेंट में 2016 से उसको बढ़ा दिया। तो एक तो उसकी समीक्षा की चल रहा है, बस खाली ये है पेंशन का कि किस मद से दिया जाएगा, तो वो अभी उसका ऑर्डर शासनादेश जारी हो चुका है किस मद से दिया जाएगा, खाली हुआ जाएगा तो सबको पेंशन मिल जाएगी। एक तो इशू ये था। दूसरा इशू ये था जाति प्रमाण पत्र का। गोरखपुर में खासकर इस मंडल में देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, इधर बगल में सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलिया, इन तमाम जगहों पर कुछ बैकवर्ड जात के लोग जो हैं, जो अनुसूचित जाति के नहीं हैं, उन्होंने गोंड़ और खरवार के नाम से फर्जी सर्टिफिकेट। खरवार जात यहाँ मुख्यतः रहती है सोनभद्र ज़िले में और चकिया तहसील चंदौली। गोंड़ जो हैं ये ट्राइबल हैं, ये चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र यहाँ पर हैं। यहाँ पर 3 जातियाँ
जो हैं उन्होंने पिछली सरकारों में अपने को गलत तरीके से कर करके, देवरिया में एक सज्जन आए यहाँ कुशीनगर में, खरवार नहीं मिला साहब, कितने खरवार, 50,000। अरे कहे खरवार कहाँ से आ गए 50,000, यहाँ भूड़ इतने हैं यहाँ पर, तो ज़्यादा तो इसमें कहार, कुम्हार और भुर्जी तीन जातियों ने सिस्टमेटिक तरीके से बहुत दिनों से, तो आज ये हुआ है कि ये जाति प्रमाण पत्र जाँच करके अच्छी तरह, असली गुण हमको जरूर मिलने चाहिए, असली खरवार हो सकता है दो चार खरवार आ गए हों नौकरी का करने, गुण आ गए हों, लेकिन जो फर्जी जातियां हैं, जो अनुसूचित जातियां उसमें बैकवर्ड में आती हैं, वो हक हम एससी एसटी का नहीं मारने देंगे। तो एक नायक में भी लड़ाई चल रही है। जी हाँ बिल्कुल, जो है पता है ना कि इसमें तमाम लोगों ने और फर्जी ले करके नौकरियां तमाम प्राप्त कर लिए हैं, नौकरी मार रहे हैं। खरवार जो ऐसे हैं बेचारे, इतने गरीब हैं, क्योंकि मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहा, डीजीपी रहा प्रदेश का, उन्होंने तो अपना मिर्ज़ापुर जिला नहीं देखा कि क्या है, गरीब ट्राइबल्स मेरिट में सबसे नीचे आती है मेरिट ट्राइबल्स की। अब अगर ये ले लेंगे, अभी हमने दो केसेस पकड़े, एक बेचू का, एक वहाँ का असिस्टेंट प्रोफेसर, उसने अपने को दलित शो करके अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एक रिसर्च स्कॉलर था मिश्रा, वो जेल गया। अभी मैं गया चौपन, तो वहाँ बताया गया कि इनके पिताजी कहाँ रहे और यहाँ बैंक में इम्प्लाई रहे, जब कागज़ देखा कहाँ, और वहाँ पर उन्होंने फर्जी खरवार बन के असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए बीएचयू में, अपने हेड के खिलाफ मुकदमा, फिर मैंने अभी जाँच का ऑर्डर दिया है, और उस जांच में अगर हुआ तो उनके नौकरी पर डाले पड़ जाएंगे। एक केस हमने देखा वहाँ का, इलाहाबाद मिर्ज़ापुर बॉर्डर है, यहाँ कहाँ रहे मिर्ज़ापुर जा करके आप हो गए खरवार। तो ये जो सिस्टमेटिक तरीके से, ये मैंने ऑलरेडी शासन को लिखा है, जिला अधिकारियों को लिख दिया है कि फर्जी सर्टिफिकेट हम नहीं देने देंगे, और जो फर्जी सर्टिफिकेट लोगों ने गलत तरीके से ले लिया, असली है उनको दीजिए, लेकिन गलत तरीके से अगर ले लेंगे ये खरवार बन करके फर्जी लोग, तो जो खरवार ट्राइबल है जो वहाँ रह रहा है, गरीब है, जो जानता नहीं है, पढ़ा लिखा कम है, तो उसका हक तो एकदम ख़त्म हो जाएगा। मैंने लिया बलिया का, मैंने डीएम बलिया को भी एक हफ्ते पहले लिखा है कि जो भारत सरकार की एक सूची है, कौन अनुसूचित जाति है कौन जनजाति है, भारत सरकार की पार्लियामेंट तय करती है, यहाँ किसी को डीएम को, किसी अधिकारी को, ये किसी को उसको इंटरप्रेट करने का अधिकार नहीं है, वहाँ कमतर नाम से ले रहे हैं खरवार में करना। अभी मैंने डीएम बलिया को लिखा है, अब कैसे दिया आपने, तो ये हम जो है ये मेरे नॉलेज में ये बलिया मेरा चल रहा है। सर यहाँ गोरखपुर में आप यहाँ पे जनजातियों की संख्या है कुछ जनजाति कहाँ कहाँ और आस पास गोरखपुर में थारूज हैं यहाँ पर, जनजाति यहाँ बहुत कम है। देखिए जनजाति जब पूरा उत्तर प्रदेश था तो पहाड़ पर थे, और दूसरा मेन कॉन्सेंट्रेशन है चंदौली मिर्ज़ापुर सोनभद्र, ये है, बाकी छुटपुट हो सकते हैं बाकी नहीं है। और सबसे गरीब तो आपका मुसहर है, थारू है, वनटांगियाँ है, असली ट्राइब तो उसको होना चाहिए, मुसहर को जो अनुसूचित जाति में है, तो हम लोग उसका भी देख रहे हैं इंटरेस्ट। तो एक तो बिल्कुल नायब के मसले पर मैंने कहा जो है देखें, जो फर्जी हों उनको भी नहीं मिलना चाहिए, आज कमिश्नर भी थे सबसे, मैंने कहा जो असली हों जो हैं, ये इंटरप्रेट करने का कि नहीं साहब ये कमतर लिखते हैं, ये खरवार हैं, ये सब फला लिखते हैं, ये हमें अधिकार नहीं है, ये डीएम को अधिकार नहीं है, ये अधिकार भारत की पार्लियामेंट को। प्रमाण पत्र मिला है थारू नगोंड और नायक का, हाँ, तो सबकी जाँच के आपने आदेश दिए हैं? बिल्कुल, हमने कहा कि जो देख लें जहाँ पर फर्जी स्टैप आए हैं जरूर जाँच करें, जाँच करके, और मैंने कहा जांच के लिए परिवार रजिस्टर देखिए, लैंड रिकॉर्ड देखिए, गांव में स्थली जांच करिए, भाई इनके ससुराल कहाँ हैं, इनके चाचा क्या हैं, इनके मामा क्या हैं, इनके फला, वो सब मालूम हो जाएगा क्या है। तो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से पिछली सरकारों में, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इस रेंज में तीन जातियाँ पिछड़ी, इन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से गौण बन गए, खरवार बन गए, तो ये हम इसको नहीं चलने देंगे। ऑलरेडी मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख चुका हूँ, समाज कल्याण को लिख चुका हूँ कि जो फर्जी हों उनको यह लिए हैं उसको कैंसिल किया जाए। घटनाएं काफ़ी आपके गोरखपुर रेंज पर भी मैं समीक्षा कर रहा था, कम है। आप कहेंगे कहाँ पर, जहाँ पर फ्यूडल स्ट्रक्चर रहा है
वहाँ पर ये घटनाएं हैं। जैसे हमने अपने आयोग का मेरा डेढ़ वर्ष का कार्यकाल हो रहा है, इसमें जो हमने सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट छांटा, उसमें प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, गोंडा और हरदोई, लेकिन यहाँ पर आयोग ने, मैं चूँकि रिटायर्ड पुलिस अफसर हूँ तो मैं पहली बार शुरू किया, मैं सुओ मोटो लेता हूँ, हमें दरखास्त जरूरत नहीं है। टीवी चलते हुए देखा, अखबार में पढ़ा, तमाम जगह मैं खुद पहुँच जाता हूँ, पब्लिक को कोई ज़रूरत नहीं। हमने देखा कहीं आया, मैं सुओ मोटो संज्ञान और तुरंत जो है, क्योंकि आयोग एक कोर्ट है, अदालत है, तो करके न्याय मिल रहा है। तो एसटीएस के मामले, दूसरा एक कई चीज़ें हैं जो मैं पहले बड़ी भ्रांति दूर कर चुका हूँ, करीब 65 जिलों का भ्रमण किया। एक बड़ी भ्रांति फैली कि साहब जैसे कोई एससी एसटी वाला मुकदमा लिखा देगा, चाहे फर्जी हो, तो दरोगा जी गिरफ्तार कर लेंगे। नो, किसी भी एफआईआर में, मैं जब पुलिस अफसर पूर्वभूत पुलिस अफसर कर रहा हूँ, चाहे कोई भी होता, तब तक गिरफ्तारी नहीं होती जब तक कि वो सही ना हो, जाँच नहीं होती। आप देखिए, मर्डर में एक आदमी करता, चार आदमी दिखाए जाते हैं। आज इतनी मारपीट की घटना देखोगे, वो क्या बन के आती है? लूट बनकर। मारपीट लूट में क्या फ़र्क है? मारपीट हुई, आपने कहा तो मेरा चेन छीन लिया, तो लूट हो गया, पांच आदमी से हुआ, डकैती हो गया। ये आमतौर एस सी एस टी एक्ट नहीं, सब एक्ट का मिसयूज होता है, आवास नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। तो ये चीज़ें करके, और यहाँ भी हमने कहा है, हमारे पास भी केसेज, जिलों में कुछ केस है, लेकिन वो केसेज तमाम लोग अपने नौकरों को आगे खड़ा करके करते हैं, अपना स्कोर सेटल करने के लिए। आयोग में भी 5-7% आते हैं केसेज। तो ये चीज़ें, ये हमने कहा है कि खाली एफआईआर लिखने से कोई मुलजिम नहीं हो जाता, कि आपके खिलाफ़ एफआईआर लिखे आप परेशान। तमाम लोग आते हैं, मैंने कहा नो, जब तक जाँच नहीं होगी तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये चीज़ें, और तमाम जगह कुछ चीज़ें हमने मिसयूज का भी, हमने एक बड़ा मीडिया में आया मथुरा का, हमने उसको टेकअप किया, एक महिला के बच्चे की हत्या हुई, 6 साल की बच्चे की, नेचुरली छोटा बच्चा हो, 6 साल की, उसमें 5 लोग नामजद हुए सामान्य जाति के, एक गिरफ्तार भी हो गए। हमने देखा कि ये चीज़ें कुछ गड़बड़ है, फिर सही हुआ, पता चला वो महिला उसके देवर नहीं, उसकी हत्या की थी, उनको जेल भेजा उस केस में, और जो गलत लिखाने का अलग से मुकदमा कायम किया, और 4,12,500 की FIR स्तर की जो आर्थिक सहायता मिल गई थी, उसको DM से लिख करके उसकी रिकवरी कराई। तो इसलिए ये मिसयूज जो है, जो लोग बहुत करते हैं, साहब एसटी मिसयूज हो रहा, मिसयूज तो सब एक्ट का हो रहा है, सबसे ज़्यादा तो जो और धाराएं हैं IPC की, आज सब जितनी मारपीट और लूट बनकर रही है, माइनस हो गया तो छेड़छाड़ बनकर आएगा उसमें, लेकिन ये पुलिस का काम है, पुलिस करती है, ठीक है। आई एम हैप्पी कि मुकदमा कुछ भी लिखाएं, लेकिन वो चीज़ें कार्रवाई उसी पर होती, बल्कि लोग अपना नुकसान करते हैं। जब फर्जी लिखा दिए, उतना निकाल दिया गया, तो कोर्ट में जाएगा तो वो भी आपका डाउटफुल हो गया। तो इसलिए ये बड़ी भ्रांति, हमने तमाम लोगों ने बड़ी भ्रांति फैलाई, खासकर उस समय जब इसमें SC ST एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। और दूसरा, इस सरकार ने, मैंने वो पर्चा आप लोगों को दिया हूँ, इसको पढ़िएगा, इस सरकार ने 116 को अमेंडमेंट किया, मोदी गवर्नमेंट जो पहली उसमें आई, और इन्होंने पहले SC ST में 22 अपराध थे, इन्होंने 25 अपराध और जोड़े, ऐसे अपराध जोड़े जो किसी के बारे में सोचा नहीं था लोगों ने। देवदासी प्रथा, दक्षिण भारत में एक दलित की लड़की को मंदिर में दान करा दिया जाता था, और जिंदगी भर वो रहती थी मंदिर में देवदासी, उसको अपराध SC ST एक्ट में किया गया। दूसरा यहाँ किया गया, हमने केस टेकअप किया था कासगंज का, नए वस्त्र पहन करके, जूता पहन करके, घोड़े सवारी, बारात निकालना, कहीं कहीं होता है तराज, कासगंज में मैंने टेकअप किया था, और फोर्स लगाकर वो दलित की घोड़ी पर बारात निकाली गई। आगरा में 1990 में इसी बात पर जाट और जाटों में संघर्ष हुआ था, और कई लोग मारे गए थे, उसमें प्रधानमंत्री को आना पड़ा था। इस एक्ट में इस गवर्नमेंट ने जोड़ा, इस एक्ट ने गवर्नमेंट ने जोड़ा किसी महापुरुष को, इशारे से, शब्दों से, फला से, जैसे बाबा साहब के खिलाफ आजम खान साहब ने कहा था, ये मूर्तियाँ जो खड़ी हैं, ये उंगली उठाए कहती हैं जो वो आगे वाला ज़मीन भी मेरा है, उस पर उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था ना हजरतगंज में। दूसरा किया, महिलाओं के बारे में लिया। दूसरा एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण जो मैं अभी अधिकारियों से बात कर रहा था,
या आप कोटे से प्रधान तो हो गए, ब्लॉक प्रमुख तो हो गए, लेकिन करेंगे आप वही जो मैं कहूँगा। कई लोग अपने नौकरों को खड़ा करके, उसमें मैंने 10-12 मुकदमे उसमें ही सरकार ने किया कि अगर नगर पालिका के जितने भी पद हैं, प्रधान, जिला पंचायत मेंबर, अगर उनको काम नहीं करने दिया जाता तो ST/ST का गंभीर जुर्म है, वो लागू किया गया। इस सरकार ने लागू किया कि अगर ST/ST कोई नॉमिनेशन फाइल करना चाहता उसको रोकना, वोट नहीं दिया उसके साथ मारपीट करना बाद में, ये तमाम चीज़ें। और पेंशन का पहली बार, ये बहुत बड़ी बात है, वो पेंशन 5,000 रुपया हर साल, जैसे महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो उसका महंगाई भत्ता बढ़ता रहेगा, ये बहुत बड़ी बात किया। बच्चों को फ्री एजुकेशन, हॉस्टल फैसिलिटी के साथ में, अगर उसके बाप की हत्या हुई हो, कमा होना है कि थाना अध्यक्षों की संख्या जो है, उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश आज से नहीं बहुत पहले से है कि 23% थानाध्यक्ष SC और ST के होंगे। इस चीज़ को मैंने टेकअप किया, DG को लिखा, और उसके बाद वहाँ का मैं अपने डेट लगाता हूँ। अभी 3 दिन पहले DI साहब आए थे वहाँ के दफ्तर से, यहीं आपको जानते हो कुशीनगर में रहे राकेश शंकर आजकल DIG हैं, और इस समय कोटा काफ़ी हद तक पूरा हुआ है। आज अभी IG थे तो आज इनको तो बुलाया था, मैंने कहा कोटा जो 23% है उसमें 23% में 21% SC, 2% ST, अगर ST नहीं होंगे तो वो भी भरा जाएगा उसको। तो इसको मैंने टेकअप किया पूरे प्रदेश में, और पूरे प्रदेश में टेकअप करके बहुत थोड़ी बहुत रह गई उस स्थिति, इसलिए है कि उस ज़िले में है नहीं, तो मैंने कहा नहीं है तो DIG साहब अपने रेंज में से दें, IG जोन दें, तो वो करीब करीब इसको मैंने टेकअप किया। और आज वो इशू मैंने कहा है पूरे प्रदेश में इसको कि 23% शासनादेश है ST/ST का, थानाधीश बनने का तो बनाना पड़ेगा। गोरखपुर रेंज में आज ही IG का कार्य, तो 2-3 जिलों में 23% पूरा हो गया, गोरखपुर में कुछ कमी, वो पूरी हो जाएगी सब जगह, वो कोई इससे। तो मैंने ST/ST आयोग में लिया इसको, वो करके पूरे प्रदेश का, एक नहीं हम तो पूरे प्रदेश का टेकअप करते हैं। और DG को मैंने कहा तो उनके यहाँ दफ्तर से बुलाता हूँ कि कितना हुआ, तो वो करके 17.3% था, पहले तो बहुत कम था, किसी को ध्यान ही नहीं था, और मैं समझता हूँ महीना भर में 23% वो कम्प्लीट हो जाएगा।